केंद्र खोला है, वही लोग जो है इनको नशा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ ये नशे का कारोबार कब से चल रहा है? पेशेंट को नशा दिला रहा है। चला भाई जी क्या नाम आपका? कब से आप यहाँ पे? दो महीने हो गए। तो क्या ये नशे का धंधा कब से चल रहा है यहाँ पे? नहीं, अंदर पेशेंट को भी करवाते हैं। परमानू में चल रही एक नशा निवारण केंद्र के अंदर नशे का बड़ा खेल चल रहा है। नशा निवारण केंद्र में तैनात कर्मचारी नशा छुड़ाने के लिए उपचाराधीन मरीजों को नशा करवा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नशा निवारण केंद्र में भर्ती एक युवक ने केंद्र के भीतर नशा करते व करवाते कर्मचारियों का वीडियो बनाकर अपने माता पिता को भेज दिया। वीडियो मिलते ही युवक के परिजनों ने अन्य लोगों को साथ लेकर नशा केंद्र में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उपचाराधीन कई युवाओं ने केंद्र में नशा करवाने का खुलासा किया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौका के लिए रवाना हो गई है। केंद्र में उपचाराधीन युवकों की माने तो ये केंद्र में ये धंधा काफी समय से चल रहा था। परमानू में एकाएक खुले दर्जनों नशा निवारण केंद्रों की कार्य प्रणाली पर मीडिया पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। इस बारे में डीएसपी प्रणव चौहान का कहना है कि पुलिस लंबे समय से नशा मुक्ति केंद्रों पर नजर जमाए हुई थी। नशा मुक्ति केंद्रों की प्रशासन द्वारा इंस्पेक्शन भी की गई है। इस मामले में नशा मुक्ति केंद्र के मालिक व एम्प्लॉय पर FIR दर्ज की जा रही है। माजी क्या नाम आपका? आप खड़े मेघव शर्मा। जो आप आज यहाँ यूथ इकट्ठा हुआ इसमें नशा मुक्ति केंद्र में, तो ये क्या एपिसोड है पूरा, आप इसके ऊपर बताएंगे थोड़ा से? हमारा भाई है, वो थोड़ा गलत संगति में पड़ गया था, जिसको हमने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा ताकि वो नशा छोड़ दे। यहाँ पे फिर उनको उसी ने पहले जैसे बोले 1000 रुपए, फिर 1500, फिर हमने बोला कि ऐसी बात कैसा, क्या खा रहा है तू यहाँ पे, मतलब खाने का भी क्या सामान आ जाएगा आज की डेट में, है ना। तो यहाँ पे उसने हमको कैसे भी वीडियो बनवा के भेजी, जब हमने वो वीडियो देखी हम पूरे स्तंभ रह गए। हम यहाँ पे कैसे, ये तो हमारा भाई है, ऐसी और भाई भी है, मतलब माँ बाप ने उनको उसी ने अंदर से चुपके से वीडियो बना के आपको सेंड की, फिर से वीडियो बनाकर सेंड की, या और भी लोगों के, है ना, जिन्होंने अपने बच्चों को सुधारने के लिए भेजा है। यहाँ पे यही नशा मुक्ति केंद्र वाले उनको नशा करवा रहे हैं। फिर हमने यूथ इकट्ठा करके फैसला किया कि इनका सब पे पर्दाफाश किया जाए। ऐसे कितने ही और नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसे होता होगा जो सबको पता लगे। अपना नाम बताएंगे? जी पीयूषा जी, मेरा नाम। बताएंगे पूरा इंसिडेंट क्या है ये नशा मुक्ति केंद्र जो है यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे मेरे को अभी हफ्ते दो हफ्ते हो गए हैं, वो यहाँ पे मैं नशे से एडिक्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पे सुधरने के लिए आया था। तो यहाँ पे मैंने देखा माहौल, जो सारे यहाँ के स्टाफ मेंबर थे वो कहते रहते थे कि भाई अगर कुछ करना तो बता, पैसे डलवा दे, सब अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार मैंने मन माना अपना कि नहीं मैंने सुधरना, तो बार बार मेरे से पूछे, मेरा ही मन पटक गया जी। तो मैं आया, मैंने मेरे से इन्होंने पैसे डलवाए, मैंने गूगल पे भी अपने भाई से ट्रांजेक्शन करवाई, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, ऐसे करके 10-15 हज़ार लगवा दिए। तो मेरे भाई पूछने लगे फ़ोन में, मेरे से इतने पैसे करके आया तो, वो सेंटर में छोड़ा हुआ, रोटी पानी सब कुछ वहाँ पे आई है, यहाँ पे मैंने पैसे किस बात के ले रहा है? तो मैं कह रही हूँ नहीं, बात मैंने कि मेरे चक्कर में, मैं और भी लाइफ ख़राब हो रही है, तो क्या करूँ? मैंने फिर वीडियो बना ली जी इनकी, करते हुए नशा करते हुए की वीडियो बना के मैंने अपने भाइयों को भेज दी। मैं यहाँ पे ये काम हो रहा है भाई, एक काम बंद कराओ, मेरे और बच्चों की भी लाइफ खराब हो रही है, जितने भी हैं सारे, मगर सुधरेगा तो है नहीं कोई, इसका मतलब सारे बिगड़ेंगे, ये बात ही है। ये कितने टाइम से यहाँ पे नशा वगैरह चल रहा था, कुछ आप बता सकते हैं? यहाँ से जब से खुला है जब से ही चल रहा है। और जो एक वीडियो में दिख रहा है, शख्स दिख रहा है जो नशा करवा रहा है, वो कौन है, क्या नाम है उनका? वो यहाँ का, वो मेरी है जी, स्टाफ का मेन मेंबर है। उसका नाम क्या है, कुछ नाम बता? देवेंद्र बाबा। देवेंद्र बाबा नाम है जो नशा करवा रहा है उस वीडियो में जो दिख रहा है। सर यहाँ पे मैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ जी, ठीक है सर। मेरे को, मैं अपने घर पे था, मेरे को नहीं पता इस चीज के बारे में, ये मतलब ये जो नशा कर रहे हैं, ये लड़का है पीयूष, दो लड़के हो रहे हैं, ये पीछे मेरे जाने की बात है जी, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं अपनी गलती ये अभी मैं स्वीकार क्या करूँ कि मेरी मिसमैनेजमेंट है सर इस चीज़ की, क्योंकि मैं घर गया हूँ, घर पर रात को सर मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं तकरीबन यहीं पे रहता हूँ सर रात को भी, तो उसके बाद की बात है सर ये मेरा, इसके बारे में कोई मेरे को इसका कुछ नहीं है। हरबीर जी, जो वीडियो में दो लड़के नशा कर रहे हो, आपके स्टाफ के सर? एक, हाँ जी, जो करवा रहा है नशा करवा रहा है, उसका नाम बताएंगे आप, जो आपके पेशेंट को नशा करवा रहा है? सर एक दविंदर है जी, दविंदर बाबा।
परमानेंट जॉब करते हैं सर? परमानेंट यहाँ पर एक प्रदीविंदर परमानेंट जॉब करते हैं। अब जब आप यहाँ पे नहीं थे तो यहाँ पे काउंसलर थे आपके? आपकी बैग सर रात की बात है, रात को तो काउंसलर से नहीं होते ना जी? काउंसलर कोई ना कोई तो रात को जुड़ा नहीं होते सर। पेशेंट मान लो हाइपर हो जाए रात को तो कौन उसको देखेगा? क्या दवाई मेडिसिन वगैरह दे देते हैं? दवाई मेडिसिन तो काउंसलर होते हैं, मेडिकल काउंसलर नहीं मेडिसिन देते, मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं। जैसे इसकी पर्ची बनती है, डॉक्टर्स ने दी हुई है, लेकिन उनको उनको जो कंट्रोल करने के लिए आपके काउंसलर तो होने चाहिए ना एट द प्रेजेंट। काउंसलर होना तो जरूरी है। रात को नहीं सर, इसमें नहीं है, रात को रखना जरूरी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए परमानु से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।